कहता है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब देखो लाइन चार्ज वाला YouTube पे मेरा एक वीडियो है, उसको अच्छे से देख लेना। मैंने बहुत सारे इसमें ट्रिक्स बताए हैं कि कैसे डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करोगे। तो टू पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज में चार लीनियर डेंसिटी प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा दिया हुआ है। चलो बना लेते हैं। एक हमारे पास आ गया ये प्लस लैम्डा वाला जो कि प्लस लैम्डा, दूसरे पे पैरेलल है तो माइनस, ये माइनस लैम्डा आ गया, बराबर है, दोनों पैरेलल है। मैं सीधा लाइन भी बना सकता था। तो आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस टू आर, मतलब टू आर इनके बीच का डिस्टेंस है, मतलब मिड पॉइंट पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू टू, दोनों के मिड पॉइंट पर कितना फील्ड होगा। मिड पॉइंट मतलब ये पॉइंट पी है जो कि पहले वाले से आर डिस्टेंस पे है और दूसरे वाले से भी आर डिस्टेंस पर है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ऑब्वियसली देखो वेक्टर है तो जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है इस मिड पॉइंट पर, देखो तो मिड पॉइंट पर प्लस चार्ज का फील्ड इवन इधर गया पॉजिटिव आई के। दूसरा अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो रिपल करेंगे तो फील्ड इधर जाएगा, और निगेटिव चार्ज फिर यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उसका भी फील्ड इधर ही जाएगा ई टू, मतलब नेट जो फील्ड आ जाएगा वो नेट फील्ड वेक्टर में अगर देखोगे तो वो इन दोनों का समेशन आ जाएगा E1 प्लस E2, मतलब टू टाइम्स E1, क्योंकि दोनों की चार डेंसिटी लैम्डा है और डिस्टेंस भी सेम है तो दोनों की जो फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में E1। अब एक की फील्ड कितनी होती है इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर का या तो आपको डायरेक्ट याद हो या मैं एक जनरल फार्मूला करवाया हूँ के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बराबर है। ये क्या है, एक ब्रह्मास्त्र है, टूल है। ये कब लगेगा, जब साइन थीटा वन और साइन थीटा टू, अब जो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में फील्ड और वाई एक्सिस में जो फील्ड है वो के लैम्डा ओवर आर और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इस फार्मूले को आप, मेरा पूरा वीडियो यूट्यूब पे देखना आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इनफाइनाइट वायर है तो जो थीटा वन है थीटा टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये जो फार्मूला बनेगा नेट फील्ड बनेगा इनफाइनाइट वायर का वो आ जाएगा 2k लैम्डा ओवर r, या नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लो, रट लो इनफाइनाइट वायर का 2k लैम्डा ओवर। कैसे आया, यहाँ ये जो वायर है वो इन्फिनिटी को चला गया तो यहाँ से जब मिलाएंगे ये डिस्टेंस, एक बार मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ बेहतर तरीके से इसको, वैसे मैं वीडियो में बताया जब इनफाइनाइट वायर है तो थीटा वन थीटा टू वायर के इंड से एंगल है। अब ये इंड यार इन्फिनिटी को चला गया और ये भी इंड के आ गया इन्फिनिटी पे चला गया। अब मैं इन्फिनिटी पे जाके मिलाऊंगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलाऊंगा तो ये जो है वो थीटा वन 90 आ जाएगा, बराबर है। डिटेल में देख लेना आप पूरा वीडियो, तो ये आ जाएगा दिस इज द फाइनल फील्ड। इसको और सिंप्लीफाई करो, टू के लैम्डा और यहाँ जब इसकी वैल्यू यहाँ डालोगे तो नेट फील्ड जो दिखेगा वो आ जाएगा 4k लैम्डा ओवर कैपिटल R, मतलब 1/π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R लैम्डा, दिस इज द नेट फील्ड। कौन सा सही है, पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। फटाफट क्वेश्चन